हेलो सर, मुनीर बात कर रहा हूँ, सैयद मुनीरुद्दीन पत्रकार। सर, अपने अंडरटेकिंग में हैदराबाद का जो हॉस्पिटल चलता है सर, उसमें डिलीवरी पेशेंट है, उसको लेके आने के बाद यहाँ पे जो है तो कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही चालू है। उसके बाद भी सर वो एक्शन नहीं ले रहे। मैं राकेश सिद्दीकी सर, उनको भी बात किया हूँ सर, सोनू गिराकी टोटल बाहर कराया सर, उसके बाद एक्शन नहीं ले रहे। और मैं राइटिंग में एक बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ सर आपके पास। अच्छा, अभी राकेश सर है, आप बात करिए सर। जी सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते। सर विषय असा आहे की ते लाईन मध्ये उभे राहिले होते, आपले 12:30 ओपीडी संपली, मग पेशंट रोडलेले होते आणि डॉक्टर 12:30 म्हणजे निघून जातात सगळे आपले। तर त्यांची चिठ्ठीचे नंबर आला नाही, तर ते म्हणाले की बाबा मला हे नाही म्हटले म्हणे, चिठ्ठी भेटली नाही। तर सर ते उशीर आले आणि लाईन मध्ये उभे होते, त्याच्या विंडोवर नंबर येईपर्यंत ओपीडी टाइम संपला। हा, तर ते म्हणाले की बाबा मला चिठ्ठी द्या। ए आई आर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ के कमिश्नर सुनील लाहने ने जब बात की तो हैदराबाद हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद राफे ने रिकॉर्डिंग में कहा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर 12:30 बजे ही चले गए, जबकि बोर्ड पर लिखा हुआ वक्त 1 बजे तक है। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है, कमिश्नर साहब ने भी ये नहीं कहा कि टाइमिंग से पहले डॉक्टर कैसा घर जाते। उन्होंने तो इन कसूरवार डॉक्टर्स को सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले नांदेड़ के कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने नांदेड़ के सरकारी दवाखाने श्याम नगर में इनकी जोजा की डिलीवरी करवा कर उन्होंने एक काबिले तारीफ मिसाल कायम की, जिसकी हर जगह तारीफ होने लगी। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या ये सुविधा गरीबों के लिए भी मुहैया है? हैदराबाद हॉस्पिटल जहां नांदेड़ शहर का मुस्लिम गुंजान आबादी वाला इलाका है, एक तरफ अवाम कोरोना के काल से परेशान है तो दूसरी तरफ लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। ऐसी ख़राब सूरत हाल में हामिला मुस्लिम बुरखा पोश खवातीन 2-3 घंटे लाइन में लगकर चिट्ठी फाड़ने के लिए रुकती है, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट करने से वंचित रहना पड़ता है। क्या ऐसे स्टाफ पर कोई कार्रवाई होना चाहिए ताकि गरीब अवाम को इनकी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े? हैदराबाद हॉस्पिटल में गुज़िश्ता कुछ माह पहले करोड़ों रुपए की मशीनरीज मंगवाए जाने के बावजूद गरीब मरीजों को बाहर से टेस्ट करवा कर मंगवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? इसके बाद लाखों रुपए की दवाएं हॉस्पिटल से मरीज को टॉनिक नहीं देकर स्टॉक करके एक्सपायर हो जाने के बाद वापस भेज दी जा रही है, लेकिन अवाम को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। एक ख़ास बात तो ये देखने में आई कि एम्बुलेंस अवाम के लिए होती है, लेकिन इसमें दवाई लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। अगर इस वजह से किसी मरीज़ को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए और कुछ हादसा होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसका कुछ पता नहीं। 10 बजे से आके ठहरे और यहाँ पे टाइमिंग 1 बजे तक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बोलो। 10 बजे से आए हैं, उसके बाद भी अभी नहीं सता रहे, समझो रोज ऐसी होता है यहाँ पे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? ठीक, 12:30 के बाद नहीं देते तुम? कौन बोले बंद कर दो? इधर देख के बोलो तुम, ये साइड देख के बोलो, डॉक्टर साहब को बोलो। सर डॉक्टर 1 बजे का टाइम है ना सर, 12:30 को चल जा रहे हैं, वहाँ लिख के लगाए लिए ना सर टाइम बाहर नहीं है, यानी 12:30 कुछ बंद नहीं है, यानी 12:30 कुछ बंद